असीम वकार, लव जिहाद होता है, मानते हैं आप? नहीं सर, लव जिहाद नाम की कोई चीज, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जुड़े हुए लोगों की एक इजाद है। लव जिहाद नाम की कोई चीज तो ये जो केरला का चर्च है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदे चिट्ठी लिखी अभी जनवरी फरवरी में, जिसमें साइनो मालाबार चर्च ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि भाई यहां पर 21 कम से कम ऐसे मामले हैं जहां लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को आईसिस की तरफ ढकेल दिया गया और उनको प्रेम के जाल में पहले फंसाया गया बिना धर्म के बारे में जानकारी दिए हुए, और यह लव जिहाद है? वो तो बीजेपी का नहीं सर, था। हिंदुस्तान में तारा सिंह नाम के एक आदमी पर उसने एक चर्च की उसकी क्रिश्चियन की फैमिली को, पादरी की फैमिली को इसलिए जला के मार डाला था क्योंकि आरएसएस, हिंदू परिषद और तमाम जो इस तरह के संगठन थे वो क्रिश्चियंस के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि वो जो मिशनरीज काम कर रही हैं वो पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराती हैं। आरोप तो उन पर भी है सर, पूरे मसला हिंदुस्तान में मिशनरीज पर हिंदू धर्म के लोग ये आरोप लगाते हैं तो वो आरोप है, कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन हाँ कराते तो वो हैं आरोप तो है ना, और केवल यहां क्रिश्चियन थोड़ी बना दुनिया भर लेते में है वो हैं। आरोप, तो कि नहीं है और मुल्कों में नहीं है कि वो आरोप कि धर्म परिवर्तन होता है और पैसे देकर धर्म परिवर्तन होता है या लालच देकर होता है? मसला आज धर्म मैंने आपसे परिवर्तन कहा नहीं ना कि है, जिन लोगों पे खुद मसला ये आरोप, असीम जिन साहब, मैं लोगों पे दोबारा खुद बता ये देता आरोप लग हूं, रहा है किसी को सर, बिना अपने धर्म की जानकारी दिए प्यार के जाल में उलझाना और उसके बाद शादी के समय पर उस पर धर्म बदलने का दबाव डालना अपना असली धर्म बताकर, इसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। हालांकि कानूनी तौर पर देखिए यह अभी तक हमारे देश में परिभाषित नहीं है। क्या आपको लगता है कोडिंग करके कानून बना के इसको परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, अकलमंद आप भी हैं रोहित भाई, मैं भी हूं, यहाँ पैनल में बैठे सब लोग, हमको आपको सबको पता है कि हिंदुस्तान में जो सही कानून बने हैं, ईमानदार कानून बने हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कैसे होता है, आप भी जानते हैं। एक दहेज प्रथा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब आपको बताऊं कि हमारे ही देश में लिव इन रिलेशनशिप भी है, और अक्सर ऐसा भी कानून होता है कि 3 4 5 साल तक के वो लिव इन रिलेशन में रहे, एक दूसरे की रजामंदी के साथ संबंध बनाए, और उसके बाद में 3 साल 4 साल के बाद लड़की ने जाकर कहा मेरा बलात्कार 5 साल से हो रहा था, असीम साहब, तो 5 साल लगातार आपने बलात्कार कैसे हो सकता है कभी पढ़ा है आपने कि सर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बातें कही हैं? मैं आपसे जो कह रहा हूं सर, मेरी बात को समझिए, नहीं, आप सब बात कर रहे हैं, जो केवल जो लोग पूछ तीन रहा हूं तीन वही चार नहीं चार कर साल रहे। साथ में रहते हैं, 3 3 4 4 साल साथ में रहते हैं, और 4 साल के बाद महिला जाके कहती है कि मेरा बलात्कार 4 साल लगातार हुआ, तो कानून का ही तो सहारा है। तो देखिए मतलब कानून कानून बनते होना ही हैं नहीं अच्छों चाहिए के फिर तो लिए, आपके हिसाब से, क्योंकि कानून नहीं तो कानून बनते फालतू में हैं, है सब। कानून सर सर कानून बनते हैं अच्छे के लिए, कानून जो लोग बनाते हैं वो बहुत नहीं तो फिर ईमानदार तो आप लोग ये कह के निकल जाइए कि साहब मर्डर के खिलाफ भी कानून है देश में, रोज इतने मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के खिलाफ भी कानून है देश में, रोज इतने बलात्कार हो रहे हैं, चोरी के खिलाफ भी कानून है लेकिन देश में चोरियां तो होती हैं। नहीं सर, मैं इस बात को नहीं मानता सर। देखिए आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ यही 25 लगता तरह की है? बातें, नहीं सर, 25 तरह की बातें मुसलमानों के बारे में की जाती है। आप मैंने कहीं कितनी मुसलमान नफरत शब्द करते हैं इस्तेमाल किया सुब्रमण्यम अभी तक स्वामी आपसे जी, बातचीत में? कहीं मैंने मुसलमान शब्द इस्तेमाल बीजेपी किया? ना, नहीं सर बीजेपी, नहीं मैं सर आपसे सवाल कर रहा हूं सुनिए ना, सर, अभी बीजेपी सवाल नहीं कर बीजेपी रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका इस बारे में कानून लाए जाने पर क्या विचार है? आप सब तरफ से घूमते सर, घुमाते अब मैं आपसे मुसलमान जो पे कह आ रहा गए, हूं, मुसलमान का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया अभी तक, नहीं मैंने सर, कहीं नहीं कहा कि मुसलमान ही ऐसा नहीं कर रहा है केवल। जिहाद, नहीं जिहाद का अल्फाज आया अपने आप मुसलमान आ गया, आप जिहाद हटा दीजिए मुझसे मुसलमान खत्म हो जाएगा। आपने जहां जिहाद अल्फाज इस्तेमाल किया वहां छुपे खुले बिना कहे कहे अपने आप मुसलमान जुड़ गया, आप इस बात को क्यों नहीं समझते, अच्छा तो आप इस बात को समझिए ठीक है, चलिए सर सुबुई खान बोलिए, इनकी बात पे आपको क्या कहना है? हाथ उठा रही हैं, जी। बोलिए। जी दीप, सॉरी रोहित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आम को आम ही बोला जाएगा, संतरे को संतरा ही बोला जाएगा, अगर जिहाद है तो उसको जिहाद ही बोला जाएगा। अगर आप उस चीज से ऑफेंड हो रहे हैं तो जाके अपने समाज को साफ करिए, और इस्लामिक स्टेट बनाने की और गजवाए हिंद की जो थ्योरी है जो हमारे देश को सदियों से बांट रही है उस पे जाकर काम करिए, तब बोलिएगा कि नहीं है जिहाद नहीं है। अगर आपको जिहाद पॉजिटिव वर्ड लगता है तो वो पॉजिटिव एक्ट लोगों को करके बताइए, जो एक मुकद्दस आपको एक वर्ड लगता है जिहाद। दूसरी बात दीपक जी, देखिए एक पैटर्न है,
एक इंसिडेंट या दो इंसिडेंट अगर हम सोचे हैं तो हम ये डिबेट कर सकते हैं कि है या नहीं है, या डिफाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कानून कैसे बनना चाहिए। देखिए ये लव जिहाद कितनी तरह से होता है दीपक जी, कुछ सेकंड्स दीजिएगा। या तो निकिता तोमर की तरह होता है कि लड़की अगर मानती नहीं है कन्वर्ट होने के लिए तो आप दिनदहाड़े उसके दिमाग में गोली मार देते हैं, या अंजना तिवारी की तरह होता है कि आप उसको बहला फुसला के आसिफा बना के शादी कर लेते हैं, और क्योंकि इस्लाम में मल्टीपल शादियां अलाउड है तो फिर आप दूसरी शादी करके उस लड़की को छोड़ के दुबई जाके बैठ जाते हैं, या पर तारा सहदेव की तरह होता है कि आप रंजीत कोहली बन के मिलते हैं, शादी के बाद बताते हैं कि आप रफीकुल हसन है और फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं, या पर साहिल सिंह की तरह होता है जो अभी नोएडा में FIR हुई है कि आप लड़की से शादी तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं लेकिन बाद में प्रेशर बनाते हैं कि नहीं या तो कन्वर्ट हो जाओ वरना उसको ब्लैकमेल करते हैं कि पैसा दो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट या फिर ऐसे होता है कि निमिषा नाम की लड़की को शादी करके फातिमा बनना पड़ता है और बाद में उसका रिक्रूटमेंट होता है आईसिस के लिए और वो फिदाइन बन जाती है, एक एक टेररिस्ट बन जाती है और आज के टाइम में अफगानिस्तान की जेल में है। तो ये एक पैटर्न है दीपक जी, और इसमें एक चीज कॉमन है, इन सारी ही तरह में इस्लाम फैल रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, चाहे कान ऐसे पकड़ लीजिए चाहे ऐसे पकड़ लीजिए, बन रही है इस्लामिक स्टेट। तो इस पे डेफिनेटली एक कानून बनने की अब जरूरत है और अब हमें डिफेंसिव मोड में जाने की जरूरत नहीं है कि लव जिहाद है कि नहीं है, डेफिनेटली, और सिर्फ बच्चों के विरोधी नहीं है, भारत विरोधी मानसिकता है, जो भी लव जिहाद में संलिप्त पाया जाए उस पे देशद्रोह का भी चार्ज लगना चाहिए। मैं खुद इस पे एक रिपोर्ट बना रही हूं, मैं सरकार को सौंपूंगी, सख्त से सख्त इस पे कानून बनना चाहिए। ओके।